टॉप 5 बाइसिकल देख रहे हैं अंडर 10,000 रुपीस, आ जाओ दिखा दूंगा। साइकिल भी है मेरे पास, फीमेल की साइकिल भी है, एडल्ट की साइकिल भी है, एंड गियर एंड नॉन गियर भी आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। well, जब भी आप लोकल मार्केट में साइकिल परचेज करने जाते हैं तो माइंड में यही ब्रांड आते हैं, हीरो, हर्क्यूलिस, एवॉन। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं तो आपके ब्रांड थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे लीडर टाइप की बाइसाइकिल या फिर क्रेडियक या फिर अर्बन टेरेन टाइप की साइकिल ज्यादा बिकती है। एंड यहीं पे आपको ट्रस्ट फैक्टर की बात भी आ जाती है कि क्या आप ऐसे ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वीडियो होगी उसमें आपको टॉप 5 बाइसाइकिल दिखाऊंगा जो कि अंडर 10,000 आपको मिल जाएगी, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। Now let me just show you the first bicycle. ये हमारे पास है लीडर की स्प्राइडर। इस बाइसाइकिल में आपको सिंगल स्पीड ड्राइव ट्रेन मिल जाती है। यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो थ्रेडलेस टू थ्रेडेड कन्वर्टेड आता है। नीचे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको नॉर्मल फॉक मिल जाता है, साथ में आपको वी ब्रेक यहाँ पे सेटअप मिलता है। अगर इसके टायर नोटिस करेंगे यहाँ पे 27.5 का व्हील साइज मिल जाता है। अब कैसे लोग हैं जो इस बाइसाइकिल को प्रेफर कर सकते हैं? वेल, जो स्टूडेंट होते हैं ट्यूशन के लिए जा रहे हैं वो कर सकते हैं, या छोटा सा आपको मार्केट में राउंड मारना है तो उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब सिंगल स्पीड का एक फायदा होता है कि बहुत कम मेंटेनेंस लेती है, इजी टू मेंटेन है, चीप भी आपको पड़ती है, एंड देयर आर लेस थिंग्स That could go wrong. The price of this bicycle is close to 5 to 6,000 rupees only. The second bike that I want to show you is the Cadillac Globetrotter. इसमें आपको पीछे 21 speed Shimano gears मिल जाते हैं, that is 3x300. सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे suspension भी मिल जाता है, नीचे देखेंगे यहाँ पे quick release मिल जाता है, यहाँ पर आपको disc brake का भी option मिल जाता है। तो अगर आप बारिश में चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपको braking मिलेगी। अगर यहाँ notice करेंगे यहाँ पर भी आपको threaded to threadless converted stem मिलता है, देखने में शायद आपको ये लगेगा ये threadless है। इस bicycle में जो व्हील साइज है वो आपको 26 मिलता है। नई जो Cadillac ब्रांड है, मुझे काफी ज्यादा bicycle मैंने इसकी यूज करी है, एंड ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड मुझे अभी तक लगता है अगर आप ऑनलाइन में कंसिडर करेंगे तो। ये बाइसिकल किस लोगों के लिए है? अगर आपको गियर्स ट्राई करने हैं एंड आप बजट में ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी लोग कर सकते हैं, या जिसके टायर में फ्लाईओवर्स पड़ रहे हो तो वो गियर प्रेफर करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी गियर बाइसिकल कई बार ठीक रह जाती है। अगर इसकी प्रोज देखोगे तो आपको हायर स्पीड मिल जाती है, लोअर स्पीड में आप इजिली पेडलिंग कर सकते हैं। एंड कॉन्स क्या होता है, गियर जो बाइसिकल होती है उसमें थोड़ी मेंटेनेंस आपको हाई मिलती है, गियर शिफ्टिंग में आपको थोड़े से करेक्शन करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा केबल्स आ जाती है, तो थोड़ा सा अगर आप मेंटेन करेंगे तो ये बाइसिकल काफी अच्छी चलती है। It takes a lot of effort to make videos like this because अपने घर से यहाँ तक 100 किलोमीटर ट्रैवल करके लाया हूँ, वो 5 बाइक्स लेके आया हूँ। इसलिए मैं आराम से घर पे इंटरनेट की फोटोज दिखा के इसको बना सकता था, लेकिन मुझे लगा आप लोगों के लिए ये चीजें करना ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज यहाँ पे आपको दिख जाता है एक्जैक्टली क्या मिलता है। प्लीज इसी बात के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऐसी और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर, दैट इज फैटबिक एप। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट बाइक। दिस इज द वेस्को ड्रिफ्ट। इसमें आपको 24 इंच साइज मिलता है, दैट मींस ये किड्स के लिए बाइसाइकिल है। मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो वहां लिखा होता है 8 to 15 ईयर्स के लोग इसको आराम से चला सकते हैं, तो उसके लिए बनी हुई है। एंड स्पेशली इसकी एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि आपको फैट टायर मिल जाते हैं 2.4 इंच के, काफी ज्यादा इसमें लुक्स एनहांस करते हैं, प्लस साइज लगता है। अगर हम कॉन्फिगरेशन देखेंगे आपको सस्पेंशन मिल जाता है, नीचे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, एंड जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। सो मैंने कॉशन नोटिस करी, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई थी बिकॉज उनको बैलेंसिंग नहीं आती है साइकिल के लिए, तो वो इस पे इजिली अपनी साइकिलिंग भी लर्न कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये भी मे बी आपके लिए बेटर रहे, या किड्स भी चला सकते हैं, एंड अगर आप एडल्ट हैं एंड साइकिलिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी बेटर रहेगी। इसकी जो प्राइस है 5 to 6,000 रुपीज, एंड ये आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगी। सारे जो लिंक्स है प्रोडक्ट के वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। The next bicycle that we have is kind of different because अगर आप यहाँ पे notice करेंगे this is kind of a lady bicycle। इसमें क्या होता है, जो girls होती हैं 13 plus की या फिर जो ladies होती है वो इसको drive कर सकती है आराम से, ride कर सकती है। इससे बैठने के लिए बहुत easy रहता है because आपके पास stop tube नहीं है तो आप easily यहाँ पे बैठ सकते हैं। Generally अगर आप normal bicycle में बैठेंगे ना तो आपको क्या होता है, साइकिल लिटानी पड़ती है, यहाँ पे बैठने में काफी ज्यादा ट्रबल आती है। सो लेडीज के लिए थोड़ी कंफर्टेबल रहती है एंड थोड़ी क्यूट भी रहती है उनके लिए, बिकॉज में दो कलर आते हैं आपके, ब्लू भी आते हैं एंड आपका पिंक भी आते हैं। साथ में इसमें आपको सामने बास्केट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो में लगा सकते हैं, तो थोड़ी सी कंटेंपरेरी में डिजाइन को होगा। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है अलग से, एंड बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा मडगार्ड का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड था एंड काफी ज्यादा मुझे अलग लगा। आई थिंक दिस अ ग्रेट बाइसाइकिल अगर आप किसी गर्ल को ये गिफ्ट करना चाहते हैं तो। And the last bicycle in the list, this is the Urban Terrain LeBlanc. इसमें आपको 21 से Shimano gears मिल जाते हैं। Frame अगर आप देखेंगे इसका paint काफी ज़्यादा shiny है। And best thing ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे proper threadless fork मिल जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको suspension का भी option मिल जाता है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको quick release का option मिल जाता है। आप इसको आराम से खोल भी सकते हैं एंड इजिली अपने गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले नोटिस करेंगे, मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी बिकॉज ये काफी डिफरेंट थी, काफी बेसिक नहीं थी। इसका जो टायर साइज है 27.5 तो मिडिल में आ जाता है। आई थिंक काफी वैल्यू फॉर मनी ये
भी मुझे लगी बस साइकिल। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो अर्बन टेरेन ब्रांड है, जो कल्फिट ब्रांड है, वो एक के अंदर आ चुका है, बिकॉज कल्फिट ने शायद अर्बन टेरेन को बाय कर लिया है। एंड इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे कल्फिट की बाइसाइकिल्स एंड जो अर्बन टेरेन की बाइसाइकिल्स है काफी सिमिलर आ जाती है। अब आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कौन से साइज हमें लेना चाहिए, 26 लेना चाहिए, 27.5 लेना चाहिए, 29 लेना चाहिए। आई थिंक अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आप 29 के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम हाइट है, मेरी जितनी हाइट है, 27.5 भी ले सकते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं या फिर आपको बहुत बजट बाइसाइकिल्स चाहिए तो 26 के लिए भी जा सकते हैं। आई थिंक अंडर 10,000 रुपीज जो बाइसाइकिल की मार्केट है काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन प्लेयर्स ऑल्सो, बिकॉज 10,000 रुपीज में इनको शिपिंग भी करनी पड़ती है, साइकिल भी सेल करनी पड़ती है एंड इनकी सेल भी काफी ज्यादा रहती है। इस बारे में मुझे एक चीज बता दीजिए कि इस बार बाइसाइकिल की सीरीज में आपको कौन से सबसे बेस्ट लगी, कौन से सबसे वैल्यू फॉर मनी लगी या कौन सी आप परचेज करना चाहेंगे, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इनके जो सारे फ्लिपकार्ट के लिंक्स होंगे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप इसके लेटेस्ट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पसंद आते इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मैंने आपको जैसे बताया अपनी फेवरेट इसमें बता सकते हैं, बिकॉज मैं और भी ऐसी आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा, नई कलेक्शन आती रहेगी, इसमें आपको अंडर 10,000 रुपीज बाइसाइकिल दिखते रहेंगे। एंड दिस फैब्रिक के बिहाफ ऑफ साइनिंग ऑफ।